सीरियस जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। शहीद स्थल चूल्हाघर पर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोगों ने भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होने पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, जहां उत्तराखंड में शोक की लहर है वहीं पूरे देश में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम मुशाद मलिक है। कहाँ से आप लोग? मैं सहारनपुर से निवासी करता हूँ। आप यहाँ पर आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को, कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए? ये बहुत बड़ी देश के लिए एक घटना हुई है, इसके लिए हम राजे अकीदत पेश करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं इनकी रूह को सवा पहुँचे। और जो हमारे जनरल रावत जी से, इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। पाकिस्तान पर अटैक किया हो या कुछ और मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, तो हमारे जो रावत जी थे इन्होंने बहुत अच्छा देश के लिए काम किया है। मैंने अपनी ओर से राजनीतिक पेश करता हूँ। उत्तराखंड से ही वो आगे गए और इस हादसे को लेकर हमारा पूरा देश जो है शोक में डूबा हुआ है। और ये कहना चाहूँगी कि वो ऐसी महान हस्ती थी जो कि जिनकी क्षति हम पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए और देश की रक्षा के लिए इतने युद्ध लड़े और उनके संरक्षण में ये युद्ध लड़े गए, क्योंकि चीन से भी उन्होंने टक्कर ली और पुलवामा हादसा भी जो हुआ उसमें भी उन्होंने ही हमारे देश को, हमारे देश के जितने लोग थे वहीं से बचाए। चीन की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, और भी अंदरूनी कई हमारे जो स्टेट्स में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो भी हुई सब उनके संरक्षण में लड़ी गई और सब में उन्होंने फतेह पाई। ऐसी हस्ती को मैं शत शत नमन करती हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि ऐसी जो हस्ती है उसको हम दोबारा नहीं पा सकेंगे, हमारा देश इस क्षति को कभी पूर्ण नहीं कर पाएगा। हमारे देश के पहले जो सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनका कल एक दुर्घटना में देहांत हो गया और शहीद हुए हैं वो, क्योंकि वहाँ भी वो एक सैन्य कार्य से ही जा रहे थे, तो देश के लिए भी वो शहीद हुए हैं। और उनके साथ हम बिपिन रावत जी को भी और उनके साथ जो 12 अन्य लोग जो जवान शहीद हुए हैं उन सबको यहाँ पर आज ये इस कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। और ये हमारे उत्तराखंड के लिए पूरे देश की क्षति है, लेकिन उत्तराखंड की विशेष क्षति इसलिए है कि उस जवान ने, उस वीर ने जो है, उस इस धरती के लाल ने जो है पूरे उत्तराखंड का, पूरे देश का नाम रोशन किया। और उनके नाम से जो है, जो हमारे दुश्मन देश हैं वो सब डरते थे, और उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी है कि भारत को एक मजबूत स्थिति में वो लेके आए हैं, सैन्य ताकत को हमारी दिखाई है विश्व को। और आज हम सब मिलकर के यहाँ पर मसूरीवासी उनको याद करते हैं और उनको विनम्र श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। भंडारी जी, लगता नहीं है आपको कहीं ना कहीं जो शहर वाले थे, जो शहर के जो गणमान्य लोग हैं, जो शहर के प्रथम नागरिक हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल होना चाहिए था, ये अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करना कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं आज इस अवसर पर जो हूँ, मसूरी के हमारे आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जिनको वोट जनता इसलिए देती है कि ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पर उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अफसोसजनक बात यह है कि कभी भी ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, जो देशभक्त खासकर शहीद होते हैं या मारे जाते हैं, उनको ये मसूरी के जनप्रतिनिधि याद नहीं करते हैं। और मैं इस अवसर पर ऐसे सभी, चाहे वो पालिका अध्यक्ष हों, पालिका सभासद हों, यहाँ पर मात्र एक जसप्रीत कौर जी पालिका सभासद पहुँचे हैं, मात्र ये सभासद यहाँ पहुँचे हैं, और जो पालिका अध्यक्ष हैं, सभासद हैं, और यहाँ तक कि जो विधायक जी हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। और इनका राष्ट्र प्रेम इस बात से दिखता है कि ये कितने राष्ट्रभक्त हैं, और हम सब उनके लिए यहाँ पर श्रम उनको भेजते हैं।